मुझको तेरी जरूरत है हे पावनात्मा, मुझको तेरी जरूरत है हे पावनात्मा, मुझको तेरी जरूरत है हे पावनात्मा। प्यास बुझाने तू आ जा हे पावनात्मा, मैं तो प्यासी हूँ मेरी प्यास बुझाने तू आ जा हे पावनात्मा, मुझको तेरी जरूरत है हे पावनात्मा, मुझको तेरी जरूरत है हे पावनात्मा। मैं तो टूटा हूँ मुझको जोड़ने को तू आ जा हे पावनात्मा, मुझको तेरी जरूरत है हे पावनात्मा, मुझको तेरी जरूरत है हे पावनात्मा। मुझको चंगा करने तू आ जा हे पावनात्मा, मैं तो घायल हूँ मुझको चंगा करने तू आ जा हे पावनात्मा, मुझको जरूरत है हे पावनात्मा।
मुझको तेरी जरूरत है हे पावन आत्मा। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, कितने बचाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बुलाया है, कितने कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है, तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे सजाया है, तूने मुझे सजाया है। मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया, क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।
प्रभु का वचन कहता है, मैं बलिदान नहीं दया चाहता है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। हे प्रभु, इस वचन की सामर्थ्य से आज मैं संसार भर के सभी माता पिता भाई बहनों और एक एक परिवार को तेरे पौत्र हृदय में समर्पित करती हूँ प्रियतम प्रभु। विशेष रूप से उन भाई बहनों को आज हम तेरे तुझसे करुणा की भीख मांगते हैं, जो आईसीयू में हैं, मृत्यु संज्ञा पर हैं, जिनका एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। कई भाई बहने हमारी प्रार्थनाओं पर आश लगाए पड़े हुए हैं। जो बुजुर्ग माता पिता हैं प्रभु, उन्हें भी हम तेरे पौत्र हृदय में समर्पित करते हैं और एक एक भाई बहनों को हम तेरे चरणों में लाते हैं। प्रभु, हमारी स्थिति परिस्थिति जैसा भी है प्रभु, हमारे हृदयों को स्वीकार करना, हमारी प्रार्थनाओं को सुनना और इस करुणा माला से जुड़े हुए एक एक रोगी भाई बहनों को प्रभु अपने पवित्र हाथों से स्पर्श करना। आइए प्यारे भाइयों बहनों, हम अपनी प्रार्थनाओं को, अर्जियों को, निवेदनों को, हमारे पापी हृदय को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हम प्रभु से करुणा और दया की भीख मांगते हुए हम एक साथ प्रार्थना करें। हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए, तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है और तेरे पौत्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमर पड़ा, हे जीवन के स्रोत, अतः ईश्वरीय दया सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले हे रक्त और जल, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पौत्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रेरितों का धर्म सार, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और उसके लौकिक पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुमारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुखाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का जी उठना और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ, आमीन। जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है वह बड़ी से बड़ी बातों में बेईमान है। हे प्रियतम प्रभु, संसार भर के सभी अधिकारियों, नेताओं और सहकारी कर्मचारियों को, प्रशासकों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रियतम प्रभु। उनकी जिम्मेदारी के कई ऐसे कार्य हैं, हर छोटी से छोटी कार्यों को ईमानदारी से कार्य करने के लिए और हर बड़ी कार्यों को प्रभु ईमानदारी और बाखूबी से अपने कर्तव्य कामों के ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए उन्हें सच्चाई की आत्मा प्रदान करना, उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करना, ताकि
अपने लिए नहीं बल्कि अपने ही भाई बहनों के उत्थान के लिए, अपने ही माता पिताओं के उत्थान के लिए, अपने समाज और गांव के उत्थान के लिए वे कार्य कर सकें। प्रभु उन्हें सच्चाई की आत्मा प्रदान करना। हमें इस प्रार्थना को तेरे पौत्र हृदय में समर्पित करते हुए हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुखों के नाम पर हम पर सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्रभु, तू स्वस्थ करेगा तो मैं सचमुच स्वस्थ हो जाऊंगी। तो मेरा उद्धार करेगा तो सचमुच मेरा उद्धार होगा। हे प्रियतम प्रभु, आज मैं संसार भर के सभी रोगियों को तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ, जो गंभीर रोगों से ग्रसित हैं, जो मृत्यु संहिता पर हैं, जो आईसीयू में हैं। हे प्रियतम प्रभु, कई ऐसे माता पिता हैं जो कई वर्षों से कैंसर जैसे रोगों से वे संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, उनके शरीर के हर कीटाणु को तू आज अभी के इस पौत्र घड़ी में नष्ट कर देना, ताकि उनका शरीर स्वस्थ हो जाए। हे प्रियतम प्रभु, ऐसे कई ऐसे भाई बहने हैं, बेटे बेटियां हैं जो गंभीर रोगों से ग्रसित हैं। कई ऐसे भाई बहने होंगे जो ब्रेन ट्यूमर के कारण वे हताश और निराश हैं। जब उनके उनको यह पता चला कि उनका जीवन कुछ दिन के लिए है, प्रभु वे कितने हताश हैं, वे कितने निराश हैं, वे घबरा गए हैं। इस घबराहट के समय, इस भय के समय प्रभु तू उन्हें धैर्य प्रदान करना, उन्हें हिम्मत देना प्रभु, और इस दुख की घड़ी में परिवार के एक एक सदस्य को प्रभु अपने पवित्र हाथों से स्पर्श करते हुए उन्हें इस दुख की घड़ी में सहने के लिए तेरी कृपा के योग्य बनाना, उनके विश्वास को बढ़ाना। प्रभु, आइए हम करुणा के भीख मांगते हुए पिता से हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुखों के नाम पर हम पर सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु
यीशु की दर्दनाक भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु की दर्दनाक भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु की दर्दनाक भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु की दर्दनाक भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु की दर्दनाक भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पौत्र है, सर्वशक्तिमान परम है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पौत्र है, सर्वशक्तिमान परम है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पौत्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस भेद में संसार भर के सभी दंपतियों को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें और करुणा में ईश्वर से प्रार्थना करें कि दंपत्य जीवन में कई प्रकार की विषम परिस्थितियां उनके जीवन में आती हैं, उनके परिवार से संबंधित पति पत्नी बीच के बीच के बीच में अच्छा संबंध ना होने के कारण उन्हें कई प्रकार के संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार अपने परिवार माता पिता और भाई बहनों के कारण उनके जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं, जिससे आज हम देखते हैं कि हर परिवार में उनका परिवार टूटता बिखरता और संबंध एक दूसरे से अलगाव होने हो जाता है। और कई ऐसे दंपत्य जीवन हैं जो वैवाहिक जीवन शुरू करने के बाद तुरंत टूट जाता है। हे प्रियतम प्रभु, ऐसे दंपतियों पर तो आशीष बरसाना, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करना, ताकि वे वैवाहिक जीवन की पौत्रता को समझ सकें, अपने जीवन की मनमानी विचार और जीवन को ना जी करके वैवाहिक जीवन को समझने के लिए उन्हें कृपा प्रदान करना, ताकि वे वैवाहिक जीवन की पौत्रता को समझ सकें, अपने परिवार की स्थिति को प्रभु तुझे समर्पित कर सकें। आज संसार भर के 100,000 ऐसे परिवार को हम आज तेरे पौत्र हृदय में समर्पित करते हैं प्रभु, जो टूट रहा है, टूटता हुआ नजर आ रहा है। पति पत्नी के बीच में प्रेम का संबंध नहीं है, माँ बाप और बच्चों के बीच में प्रेम शांति नहीं है प्रभु, वहाँ तो आज शांति प्रदान करना, आनंद प्रदान करना। आइए हम इस प्रार्थना को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं, उनके दुख भोग के नाम पर हम पर उस सारे संसार पर दया कर। हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु की दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु की दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु की दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु की दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु की दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु की दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु की दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु की दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु की दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस भेद में संसार भर के सभी युवक व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करें, जो बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में हैं, जो परीक्षाएं लिखे हैं प्रभु उन्हें तो अच्छे अंकों में अपने उत्तीर्ण करना, सफलता प्रदान करने की कृपा करना, ताकि अपने भविष्य को सजा सकें, संवार सकें और जीवन में एक नेक इंसान बन सके प्रभु।
उन्हीं वक्त व्यक्तियों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं जो हताश और निराश हैं और अपने जीवन से वे उब गए हैं प्रभु। तू संसार भर के सभी व्यक्तियों को अपने अधिकार में लेना, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करना, उन्हें नव जीवन देना प्रभु। हम करुणा की भीख मांगते हुए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर सारे संसार पर दया कर, हम पर सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर सारे संसार पर दया कर, यीशु की दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु की दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु की दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु की दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर सारे संसार पर दया कर। हे प्रियतम प्रभु, हम आज संसार भर के सभी निसंतान दंपतियों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। एक एक जन को अपने पवित्र हाथों से स्पर्श करना, उनके गर्भ को स्पर्श करना प्रियतम प्रभु। यदि उनके शरीर में कई प्रकार के रोग हैं तो हर रोग को तू दूर करना और उन्हें एक पुत्र प्रदान करना, आशीर्वाद देना प्रियतम प्रभु। ऐसे ही कई ऐसे भाई बहने हैं जो एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं और वे आज तक पाप में जीवन जी रहे हैं प्रभु। एक एक जन को स्पर्श करते हुए उन्हें क्षमा की कृपा प्रदान करना, क्षमा का आत्मा प्रदान करना प्रभु, ताकि इस संसार में वे एक दूसरे के साथ अपने को जितना प्यार करते हैं वैसे ही अपने पड़ोसी को प्रेम कर सकें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर सारे संसार पर दया कर, हम पर सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु की दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु की दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु की दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु की दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु की दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु की दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु की दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु की दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु की दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर सारे संसार पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, हम और हमारे माँ बाप, हम और हमारे माँ बाप, भाई बहने, भाई बहने, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा, जो भी पाप, जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे, उन्हें क्षमा कर दे, हमें
दंड ना दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से, अपने पावन लहू से हमें हमारे परिवारों, हमें हमारे परिवारों और हमारे सब वस्तुओं का, और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर, अभिषेक कर। आप हमें अपना बना कर, आप हमें अपना बना कर आपकी पवित्र आत्मा द्वारा, आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें, संचालित करें। आमीन, आमीन। हे यीशु, संसार के मुक्तिदाता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे यीशु, संसार के मुक्तिदाता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे यीशु, संसार के मुक्तिदाता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम यीशु के पवित्र रक्त द्वारा चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तूने संसार से इतना प्रेम किया, तूने संसार से इतना प्रेम किया कि उसके लिए, कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। तेरे पुत्र के बलिदान द्वारा, तेरे पुत्र के बलिदान द्वारा हमारी मुक्ति होती है, हमारी मुक्ति होती है। पुत्र का पवित्र रक्त, तेरे पुत्र का पवित्र रक्त हमारे पापों को मिटाता है, हमारे पापों को मिटाता है, हमें शुद्ध करता है, हमें शुद्ध करता है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं, उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं, बल्कि अपना रक्त लेकर, बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए, सदा के लिए एक ही बार, एक ही बार परम पावन स्थान में, परम पावन स्थान में प्रवेश किया, प्रवेश किया। इस तरह और इस तरह हमारे लिए, हमारे सदा सर्वदा, सदा सर्वदा बना रहने वाला, बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है, उद्धार प्राप्त किया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, उनके शरीर से, उनके शरीर से बहे एक एक बूंद, बहे एक एक बूंद रक्त द्वारा, पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगा कर, रोगियों को चंगा कर। यीशु के सिर से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगा कर। यीशु के सिर से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु के हृदय से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु के हाथों से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, रोगियों को
चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। आइए हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु से आशीष मांगे कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा का स्पर्श दे, प्रार्थना करने का विशेष वरदान दे। इसी के साथ सभी रोगियों को समर्पित करते हैं, विशेष करके इस लाइव करुणा माला में जुड़े हुए हैं। प्रभु चंगा करे, छुटकारा दे, इसके लिए प्रार्थना करते हुए, आशीष मांगते हुए, चंगाई मांगते हुए एक साथ ईश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। हे पिता, तूने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें तेरे प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। तूने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर और उसके बलिदान की योग्यता से रोगियों के पाप क्षमा कर एवं उन्हें चंगाई दे। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आइए हम अपने आप को तैयार करें अंतिम आशीष के लिए। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में
शक्ति है, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है, हमें छुड़ाने हमें बचाने, हमें छुड़ाने हमें बचाने, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है।